हाँ देखिए आपका फिर समझिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल एंड एंगल मेड बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर इज सप्लीमेंट है ना। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम क्या करना 180 प्रूव करना। तो कौन से दो एंगल है, एक तो पी टी क्यू एंगल बिटवीन टेंजेंट, एक पी ओ क्यू एंगल बिटवीन एंगल मेड बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर ना। तो पी ओ क्यू और पी टी क्यू बोल 180 दिखाना मुझे। इसके लिए देखिए एक क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू पी ओ क्यू टी पी ओ क्यू टी में देखें एंगल पी ओ क्यू और प्लस एंगल ओ क्यू टी और प्लस एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल ओ पी टी इस टोटल क्या होगा है ना। कैसे क्या होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 है ना। तो 360 हमने लिख दिया। आप देखें ये क्या हो जाएगा एंगल ओ टी टी इस टोटल एंगल ओ क्यू टी इस टोटल 90 डिग्री एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस एंगल बिटवीन बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस टेंजेंट ये बात इसमें रख दीजिए। तो पी ओ के साथ पॉइंट करना है ठीक है और ओ क्यू के बल क्या 90 डिग्री ये हमने देखा है ओ क्यू के और ओके क्यू पी पी ये तो लिखा हमने उसको लिखा नहीं है क्यू पी पी क्यू पी पी ओ पी पी 90 डिग्री है ये तो लिखे है ना। यहाँ क्या होगा एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल इसको आप लिख सकते हैं पी टी क्यू भी लिख सकते हैं पी टी क्यू और प्लस 180 इक्वल टू 360 यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू 360 माइनस हो जाएंगे एंगल हो जाएगा पी ओ क्यू और प्लस एंगल पी टी क्यू इसको डीसी देना हेंस हेंस एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल पी टी क्यू आर सप्लीमेंट ना। समझ तो एंगल अगर 180 हो जाता तो सप्लीमेंट हो जाता आर्ट सप्लीमेंट ठीक है। मतलब कोई कंफ्यूजन